गाइस मैं अपने घर की फिर से झोल झाड़नी शुरू हो गई हूँ। व्हाट इज दिस, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ओके सो गाइस मैं फिर से अपने घर की सफाई पर लगी हुई हूँ और इधर उधर 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 इतना गंदा क्यों हो जाता है, इतना कम कम समय में इतना गंदा हो जाता है? क्योंकि मेरा जो घर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब कि काम चल रहा है और इसी वजह से गंदगी जो है बार बार होती रहती है, बार बार सफाई करना पड़ता है गाइस। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओ माय गॉड, कुछ भी बोलते हैं, बाय बाय। तो गाइस इट्स टाइम टू स्किन पैम्परिंग। घर की सफाई के बाद थोड़ा स्किन पैम्परिंग करना जरूरी है क्योंकि डस्ट वगैरह हो गया। वैसे डस्ट वगैरह की बात नहीं है गाइस, बात कुछ ऐसी है कि कल मुझे अपनी एक दोस्त की बहन की शादी में जाना है और उसमें थोड़ा अच्छा लगना है, थोड़ा स्किन को अच्छा दिखाना है बिकॉज हम लोग सदियों बाद मिलेंगे। बहुत से लोग मतलब ऐसे मिलेंगे जिनसे मिले मिले जमाना हुआ, क्योंकि स्कूल टाइम्स की फ्रेंड है मतलब, तो स्कूल के सारे लोग मतलब बहुत पहले पहले के लोग से मिलेंगे तो जो भी मिलना मिलना जुलना तो चलना ही रहता है, शक्ल मैटर नहीं करता, इंसान का इखलाक अच्छा होना चाहिए। लेकिन फिर भी स्किन पैम्परिंग, और इसमें ये है बेसन, और बेसन में मैंने क्या बोलते हैं एलोवेरा, जो प्योर एलोवेरा जो होता है उसका मैं ये निकाल के डाली हूँ। थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन वाला भी आ गया, बस कोई नहीं। और फिर इसमें थोड़ा सा डाल देंगे दूध और मिक्स करके लगा देंगे अपने स्किन पे, और जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद वॉश कर लेंगे, उसके बाद स्किन तो भाई ग्लो ही ग्लो, क्या ऑसम लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो गाइस नाउ बाय बाय, फिर नहाएंगे, फिर उसके बाद मौज करेंगे, क्या करेंगे जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। सो गाइज माई पेस्ट इज रेडी और इसको अब अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं। और ये पता है आपको, ये जो मिल्क था ना वो फ्रिज में का था, तो स्किन को बहुत ठंडा ठंडा भी मिलने वाला है, मतलब बहुत अच्छा लगने वाला है। इतनी गर्मियों में थोड़ी सी भी ठंडक मिल जाए तो जिंदगी में सुकून से आ जाती है गाइज, मेरी बात है ऐसी। बाय बाय। सो गाइज मेरा खाना आ गया है और दिन के अभी बज चुके हैं 3:20 हो रहा है, असर की अजान भी हो गई, उससे पहले मैं नमाज पढ़ चुकी हूँ और लेट भी हो गया है बिकॉज आपने देखा जैसे कि मैंने घर साफ करना आज अपने लगाया हुआ था, जिस दिन मैं घर पर रहती हूँ कुछ एक्स्ट्रा काम रहते हैं। और इसमें खाने को मुर्गे की टांग, देसी टांग, और यहाँ पे तो मैं प्रीफर ये करती हूँ, ये खाऊंगी थोड़ा सा वो खा रही, मेरी मम्मा ने जबरदस्ती ये भी खा ये भी खा ये भी खा। मेरी मम्मा हमेशा मुझे अच्छा खिलाने में रहती हैं, अच्छा खिलाने पिलाने में रहती हैं, सो वो तो मम्मा का फ़र्ज़ है भाई, एक रोटी मांगो तो दो मिलता है, ये तो नॉर्मल। असर की अजान भी हो गई और वीडियो एडिट करके अपलोड भी करना है मुझे आज, और मतलब बहुत चाँप 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 है। और ठीक है तो नाउ बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे एक वक्फे के बाद। ओके सो गाइज हो गया मेरा खाना कंप्लीट 10 मिनट के अंदर, मैं आपको उस टाइम 3:20 बताई थी और अभी 3:30 बज गए हैं और बादल काली घटा आप देखे कि क्या छाए, मतलब कि इतनी जोरों शोर से भी बारिश होने वाली है ना। बारिश एक बार ऑलरेडी हो चुकी बट अभी जो अंधेरा है उसमें बहुत तेज बारिश होने वाली है और पूरा वाटर लॉगिंग होता है एज यूजल, जैसा होते रहता है। आज मैं बहुत ही अलग अंदाज में एकदम आपके सामने काफी दिनों बाद पेश आई हूँ, वैसे ऐसे ही अंदाज में आने साहब, बीच में मेरा कुछ अच्छा दिन नहीं चल रहा था गाइज, तो मैं क्या करूँ, तो फिर अप्स एंड डाउन्स ही तो लाइफ है। तो सो अभी चलते हैं वीडियो एडिट करने की तरफ और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे और उसके बाद अपना बेस्ट देंगे शाम को। बाय बाय गाइज। वहाँ ऐसा कुछ तो है जो बिल्ली पूरा जोर दी हुई है, मुझे देखना, मुझे भी डर लगा, क्या है यार, कुछ नहीं था ये बिल्ली तो मुझे लगा। ए चलो चलो निकलो, हट चल, चलो निकलो निकल, मॉर्निंग तुम। सो गाइज यहाँ पे मेरा मन किया कि रात में खाने के साथ मीन सब्जी के साथ क्यों ना दाल बनाया जाए, बहुत ही टेस्टी वाला, तो मैं लग गई बनाने। और मेरे हाथों का दाल मीन घर में सबको ही पसंद है, मेरे भाईजान पापा लोग को और मुझे भी पसंद है, तो बना दिया। सो गाइज आ गया है मेरा रात का खाना, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, डिनर। सो इट्स डिनर नाइट, नो 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 नो, सो इसको बोलते हैं डिनर। और इसमें दाल जो कि मैं अपने हाथों से बनाई हूँ, लजीज सा दाल जो कि कुछ चूजी पर्सन मीन्स लाइक मेरे जैसे ब्रॉड एकदम क्या बोलते हैं लग्जरियस पर्सन खाते हैं, इसमें घी डाल के, वैसे मैं घी नहीं डाली हूँ लेकिन मेरे अब्बा हुजूर को मेरे हाथ का दाल और ये घी और मेरे भाईजान लोग को भी ये दाल पसंद है जो मैं बनाती हूँ, स्पेशली मेरे हाथ का स्पेशल वाला। और ये आलू की सब्जी मीन्स चटचड़ी मतलब कि जो अब जो भी आपको दिख रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा ये दिख रहा है कैमरा में, आलू जो फ्राई आलू रहता है और अचार, ये कॉम्बिनेशन ऑसम होता है, मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ।
सो इग्नोर कीजिएगा, जो भी बात खराब लगे दिल पे ना लेना चाहिए, अपनी जिंदगी जियो, ऐश करो, मजो करो, और क्या। सो गाइस नाउ बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह। कौन मम्मा बाबा? मेरा भाभी, मेरी भाभी जो लगती हैं वही मम्मा। क्यों बुला रही हैं? पूछ क्या हो ना, क्यों बुला रही हैं? पूछ क्या हो? आप तो घर में चले हैं, चलिए एक तो मुझे दे दीजिए। वाह, थैंक यू दुआ। चलिए 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 चलिए। अरे बिल्ली पकड़ 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 पकड़, गांच खराब करती गाइस ये बिल्ली। पक पक पक, चल 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 चलो। गाइज ये मेरी दुआ को देखे लिपस्टिक लगाई है अभी अभी रात के वक्त। इसको हर टाइम स्टाइल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? स्टाइल। और अभी देखे फिर अपनी अलमीरा से जा रही है वो लिपस्टिक लगाने के लिए, लेकिन मैं उसको इतना मार। ओए व्हाट आर यू डूइंग? ओ देखे देखे, इसीलिए इसका हाइट देखे। ये लड़की 2 साल की है, कोई बोलेगा? कोई बोलेगा ये लड़की 2 साल की है? ओ आए दुआ, दुआ गिर जाएगा सर पे। भाभी, ओ भाभी देखो ने कने की होचे। देखे ये मिंत्रा का पूरा बॉक्स लेके आ गई है और उसमें पूरा मेकअप का खजाना हुआ हुआ है। अब देखे हम बताते हैं, बस अभी हम वीडियो बना ले, बस उसके बाद ही उसका मैंने 1 2 3 खलास कर देना है। डब्बा ला, डब्बा को तो बक्स दो। वैसे नहीं ओपन होता है दुआ, दो मैं कर दूं। गिव इट टू मी प्लीज। ओ मेरी दुआ, आई एम योर बुआ। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। ये क्या हो रहा है? आ, आ, आ। बस बस बंद, पहले उसको बंद करो। हाँ बंद करो, घुमाओ गोल करो, बस रख दो। हो गया खुश? तुम नहीं रखोगी? दो हम रखे, बहुत चालू, वेरी चलाक लड़की, इतना मोरंग नो। गाइस इस लड़की को गौर से देखें, नहीं ये मेकअप नहीं है, मुझे दिख रहा है। किधर है, किधर है? जल्दी से मुझे दे दो वरना आई किल यू। देखे कहां भाग। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है वेरी हैवी रेनी डे, मैं उसी डांस में कुछ चक्कर और आज मैं जाऊंगी मेट्रो से, बिकॉज ये बारिश में मेरा उधर से जाना पड़ा कि वाटर लॉगिंग ऑफ। उधर थी तो उधर बारिश, इधर आ गई इधर बारिश, तो मैच में तंग आ गई और ये स्पीकर मुझसे भी चला नहीं जा रहा। व्हाट डिड आई डू? इसे मैं चलना है, जाना है जल्दी से, पहुँचे लेट हो चुका है, टाइम ओवर हो रहा है, लेकिन हम तो आराम से ही जाएंगे। एंड द लेजिएस्ट इन द वर्ल्ड गाइस, यहाँ पे पूरा पतझड़ हुआ है, पतझड़ है, पूरा पतझड़ झड़ चुका है। फिर घर जाते वक्त बारिश में उस स्लीपर पहन के आई हूँ, पैर कट गया मेरा। ये काली घटाएं देख ले और हमारा
मन तो हाल हो रहा है, क्या ही बताएं, वॉक करने की शक्ति नहीं बची। इट्स टाइम टू गेट डाउन गाइस, यहाँ बाटा ओपनिंग हुआ है, वाओ बड़ा नाइस हुआ है, मतलब हुआ है। गाइज मेरे पाँव की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ है, एकदम पूरा रेड रेड हुआ जा रहा है, ऐसा चप्पल में पहन के चली गई थी और रात को शादी में जाना है। अब कैसे भी तो करके जाना ही होगा, लेकिन ठीक कैसा मेरा पाँव लग रहा है, तक होगा ना, दिन से जूता पहन पहन के पाँव को अपना डिसकलर से कलर पिलाई थी, फिर वही सूरत हाल, फिर वही सूरत हाल। ऐसे वेदर चेंज होता है तो मेरा चप्पल चेंज होता है, चप्पल चेंज होता है तो मेरे पाँव का एक तो दो कलर हो ना, ऊपर से अभी पूरा रेड हो गया है, फोड़ा हो गया है, कितना पेन हो रहा है, उफ अल्लाह रहम फरमाइए। गाइज मैं नहा के आ चुकी हूँ और अपने पाँव में भर भर के बोरोलिन लगा चुकी हूँ और मेरा खाना भी आ चुका है, जिसमें आज बना है करेले की सब्जी, बॉयल एग और क्यूकम्बर एंड दाल और राइस जो भी बना हुआ है, तो जल्दी से खाते हैं और फिर रेस्ट करते हैं, शाम को शादी में जाना है गाइज, शादी में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो किसी ने दावत दी तो जाएंगे लोग, इन्जॉय करेंगे अभी फ्रेंड सर्कल में, सो इन्जॉय करना तो बनता है। देखते हैं वैसे सीन क्या रहता है, दिन भर बारिश, दिन में जिसके घर में शादी होगा ना भाई वो लोग परेशान हो गए सीरियसली, मतलब आज बारिश की जो हद है, सीमा है, पार हो चुकी है, मॉर्निंग से लेके अभी डे हो रहा है कंटिन्यू बारिश बारिश बारिश, देखते हैं रात तक सीन क्या, अल्लाह करे बारिश बंद हो जाए, थोड़ी ये मुश्किल आसान हो जिसके घर में शादी है। सो नाउ बाय बाय गाइज। सो गाइज एज यूजुअल मैं यही ड्रेस पहन के जा रही हूँ शादी में, बिकॉज मेरा जो और भी आउटफिट है वो बहुत लाइट कलर पे है और आज का वेदर इतना ही ख़राब हुआ हुआ था कि पूरा कादा वगैरह पूरा रास्ता में कीचड़ फैला हुआ है। सो वैसे भी रात की शादी और मुझे लगता है कि मुझे ये पहन के जाना चाहिए और मैंने सबसे से पूछा तो ये सब, और मेरा लिटरली मैं जेन्युइन बात बताऊँ तो मेरा हैवी ड्रेस में कोई ड्रेस ज़्यादा नहीं है, वैरायटीज़ नहीं है, बिकॉज मैं बहुत कम लेती हूँ, बिकॉज वो रखा रह जाता है क्या ही करेंगे, और मेरा ऐसे सिंपल वगैरह ड्रेसेस वगैरह में वो सब में मतलब मेरा बहुत सारा ड्रेस अभी भी बहुत न्यू ड्रेस रखा हुआ है, बट मेरा हैवी में जो ईद वईद में लेते हैं वो सब रखा हुआ है, और अभी सामने वो बहुत खास शादी है तो उसमें हम लोग शादी में आ चुके हैं।